इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार मुंबई की एक विशेष PMLA अदालत ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शोधन मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाई के कथित सहयोगी अमित चंदोले की जमानत याचिका खारिज कर दी है। चंदोले को पिछले साल नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाली एक फर्म और अन्य शामिल थे। उनकी जमानत याचिका विशेष PMLA न्यायाधीश AA नंदगोनकर द्वारा खारिज कर दी गई है। हालांकि विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। ईडी ने कहा है कि वह चंदोले सरनाइक की कथित संदिग्ध डील की जांच कर रहे हैं, जो फर्म टॉप्स ग्रुप्स और उसके प्रमोटर राहुल नंदा को सुरक्षा मुहैया करा रही है। भाईंदर वेस्ट का अवैध संडे मार्केट आजकल पूरे जोरों पर है। भाईंदर वेस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज जो मुख्य सड़क है, वहां पर हॉकर्स ने फिर से मार्केट लगाना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रैफिक जाम हो रहा है और चलने वालों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। अपने फायदे के लिए कुछ नगर सेवक, हॉकर दस्ते, कनिष्ठ अभियंता और वार्ड अधिकारी इस मार्केट पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। वास्तव में यह मुख्य सड़क और इस सड़क पर ST MBMT बेस्ड बसों के साथ साथ रिक्शा, दोपहिया और चार पहिया वाहनों की काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है और रविवार के दिन यहां पर इस कदर भीड़ होती है कि अगर वहां से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड वाहन निकालना पड़े तो वहां काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और हो भी रही हैं। भीड़ की वजह से चोर उचक्कों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कानून और व्यवस्था के मुद्दे पैदा हो रहे हैं। बाजार जब भरा होता है तो पेडलर्स और सब्जी उत्पादक कचरा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर प्लास्टिक की थैली और बाकी कचरे की वजह से गंदगी हो रही है, जिसका खामियाजा नगर पालिका को भुगतना पड़ रहा है। ये बाजार सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेकर भाईंदर पुलिस स्टेशन से शिवसेना गली तक पहुंच गया है। मीरा रोड में 7,636 वर्ग फुट में डेवलपर यूनिक शांति सहित कुल 9 व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। उन पर दस्तावेजों को जाली यानी कि फेर बदल करके उन पर इमारतें बनाकर जमीनों को बेचने का आरोप लगाया गया है। उनके नाम है चंद्रकांत नवलकर, प्रकाशनी नवलकर, रश्मि नवलकर, शिल्पा तलपड़े और डेवलपर दिलेश शाह, जितेंद्र दोषी, हर्षद दोषी, माधुरी दोषी और सरद चंद दोषी के खिलाफ पिछले साल 27 अक्टूबर को मामला दर्ज किया गया था। आखिरकार शुक्रवार को पुलिस ने सरकारी अभियोजक की राय के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। काशीमीरा पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। शांता शिनवार तारवी के दादा सोमरिया जाधव के पुराने मौजे मीरे सर्वे नंबर 226 और नवीन मौजे पेनकार्पा में सर्वेक्षण संख्या 58/1 में भूमि उपजाऊ के रूप में संरक्षित कबीले के रूप में पंजीकृत थी। 1982 में उत्तराधिकारी और उनके उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकृत हुए। 1989 में शांता शिनवार तारवी की माँ की मृत्यु के बाद शांता और अन्य उत्तराधिकारियों को वारिस के रूप में नामित किया गया था। भूमि का कुल एरिया 25,509 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 7,636 वर्ग फीट शांता तारवी के परिवार का है। पता यह चला है कि यह निर्माण कार्य 2007 में उक्त भूमि पर बिल्डिंग परमिट जारी करके शुरू किया गया था। उस समय अभियुक्तों ने झूठे दावों, बिक्री समझौते आदि के लिए जाली दस्तावेजों और अंगूठे के निशान पर साजिश रची गई थी। यह कहना है शांता तारवी का, उसने डेवलपर और जमींदार पर साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।